हेलो गुड मॉर्निंग जोहर, मैं संजय, आप सभी का न्यूज झारखंड में स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं आज की झारखंड की बड़ी खबरों के साथ। पहली बड़ी खबर की बात करें तो राज्य के होमगार्ड करेंगे सामूहिक कार्य बहिष्कार। बिहार सरकार की तर्ज पर मानदेय समेत अन्य सुविधाओं की मांग को लेकर राजधानी रांची में होमगार्ड जवान लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। इस प्रदर्शन के बावजूद भी सरकार की ओर से उनकी मांगों को लेकर उचित कार्रवाई नहीं किए जाने से ये सभी नाराज हैं। ऐसे में अब वे अपने आंदोलन को धारदार बनाने के लिए 24 मार्च को सामूहिक रूप से जो है अपने कार्य का बहिष्कार करेंगे। धनबाद पहुंचे झारखंड होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष रवि मुखर्जी ने बताया है कि विधानसभा चुनाव से पूर्व से ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उनकी मांगों को पूरा करने का भरोसा दिया था, लेकिन अब वे उनकी सरकार बनने के बाद भी स्थिति जस की तस है। उन्होंने बताया कि सरकार से उन्होंने होमगार्ड जवानों को नियमित ड्यूटी देने की मांग की है। झारखंड राज्य के सरकारी कार्यालय में निजी सुरक्षा गार्डों से ड्यूटी ली जा रही है, जबकि होमगार्ड जवानों को काम नहीं मिल रहा है। उनकी दूसरी मांग है कि सामान्य कार्य के लिए जो है समान वेतन दे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो मास्क चेकिंग अभियान। धनबाद के प्रमुख चौक चौराहा पर चेकिंग, बिना मास्क कार और बाइक चलाने वालों पर लगा जुर्माना। कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते दौर को देखते हुए धनबाद के प्रमुख चौक चौराहा पर शनिवार को ही मास्क चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान राहगीरों और बाइक सवारों की जांच की गई। मास्क पहनकर नहीं चलने वाले राहगीरों को मौके पर मास्क खरीदने के बाद छोड़ा गया। वहीं बिना मास्क कार और बाइक में घूम रहे लोगों से पुलिस ने जुर्माना वसूला है। करीब 50 से अधिक लोगों से जुर्माना वसूला गया है। जुर्माना नहीं देने वालों वाहन चालकों के लाइसेंस जब्त कर लिए गए हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो राजधानी की सड़कों पर दिखा शनिवार नो कार का असर। ग्रीन मोबिलिटी को बढ़ावा देने को लेकर रांची नगर निगम और रांची स्मार्ट सिटी कॉरपोरेशन की ओर से शनिवार को संयुक्त रूप से शुरू की गई पहल शनिवार नो कार का असर राजधानी की सड़कों पर दिखा। बड़ी संख्या में आम और खास लोगों ने साइकिल की सवारी की। इस दौरान लोगों से जो अपील की गई है वे कम से कम सप्ताह में एक दिन साइकिल से ही दैनिक कार्य करें। इस क्रम में रांची स्मार्ट सिटी के कई पदाधिकारी और कर्मचारी साइकिल से दफ्तर पहुंचे। महाप्रबंधक पदाधिकारियों और कर्मचारियों से आग्रह किया है वे कम से कम शनिवार को साइकिल से ऑफिस जरूर पहुंचे। इस मौके पर शनिवार नौकार का नारा भी लगाया गया। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बोर्ड परीक्षा को लेकर 25 से 30 अप्रैल तक मॉक टेस्ट। झारखंड अविधिक परिषद जैक द्वारा आयोजित होने वाली बोर्ड परीक्षा के विद्यार्थियों के लिए 25 से 30 अप्रैल तक मॉक टेस्ट होगा। सभी स्कूलों में बेहतर प्रदर्शन के लिए मॉक टेस्ट आयोजित किया जाएगा। इसके लिए प्रश्न पत्र झारखंड एकेडमिक काउंसलिंग द्वारा तैयार किया जाएगा। बोर्ड परीक्षाओं के परिणाम में सुधार को लेकर आयोजित वेबिनार में इसकी जानकारी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को दी गई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो टीम इंडिया ने इंग्लैंड को हराकर T20 सीरीज जीती। भारत ने शनिवार को आखिरी T20 मुकाबले में इंग्लैंड को 36 रनों से हराकर सीरीज 3-2 से अपने नाम कर ली है। नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भारत ने इंग्लैंड को 5वें T20 मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए 225 रन का लक्ष्य दिया था, लेकिन इंग्लैंड की टीम ने 20 ओवर में 9 विकेट के नुकसान पर 188 रन ही बना पाई। रोहित शर्मा 64 और कोहली ने 80 रन बनाए। भारत के लिए भुवनेश्वर कुमार ने 16 रन देकर जो है 2 विकेट लिए। अगली बड़ी खबर की बात करें तो दुमका एंटी करप्शन ब्यूरो ने सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी के पेशकार को दबोचा। दस्तावेज में नाम चढ़ाने के लिए ले रहे थे 5,000 रुपए। दुमका एंटी करप्शन ब्यूरो ने भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई की है। न्यायालय प्रभारी पदाधिकारी 2 संताल प्रांगण बंदोबस्ता कार्यालय दुमका के पेशकार राजीव कुमार को 5,000 रुपए रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। वह जमीन के दस्तावेज में नाम चढ़ाने के लिए रुपए ले रहे थे, इसी दौरान एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने दबोच लिया है। इसके बाद जो है राजीव कुमार को एंटी करप्शन ब्यूरो कार्यालय ले जाकर पूछताछ की गई है, फिर जेल भेज दिया गया है। इस कार्रवाई के बाद जो है बंदोबस्त कार्यालय दुमका में हड़कंप मच गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो राज्य के सभी जिलों में खुलेंगे नर्सिंग स्कूल, स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने विधानसभा में राज्य के 24 जिलों में नर्सिंग स्कूल खोलने का ऐलान किया है। उन्होंने विधायक प्रदीप यादव के अल्पसूचित प्रश्न का जवाब देते हुए कहा कि वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान सभी जिलों में नर्सिंग स्कूल खोलने का काम शुरू कर दिया जाएगा। विधायक प्रदीप यादव ने गोड्डा, गढ़वा, लोहरदगा, चतरा, कोडरमा, बोकारो, खूंटी और रामगढ़ जिले में सरकारी नर्सिंग स्कूल संचालित नहीं होने और इससे जो छात्राओं को हो रही परेशानी मामला उठाया। उन्होंने कहा कि इन जिलों में सरकारी नर्सिंग स्कूल नहीं होने के कारण छात्रों को बाहर के प्राइवेट नर्सिंग स्कूल में काफी रुपए खर्च करने पड़ते हैं। इस आधार पर उन्होंने सरकार से राज्य के सभी जिलों में सरकारी नर्सिंग स्कूल खोलने की मांग की। अगली बड़ी खबर की बात करें तो एनडीए को एकजुट रखने पर भाजपा का जोर, ताकि ना हो वोटों का बंटवारा। मधुपुर विधानसभा सीट के उपचुनाव को लेकर भाजपा प्रदेश चुनाव समिति ने शनिवार को जो है संभावित प्रत्याशियों के नाम पर मंथन किया। चुनाव समिति का जोर जो है उपचुनाव में एनडीए को एकजुट रखने पर है, ताकि जो वोटों का बंटवारा ना हो। यही वजह है कि चुनाव समिति की बैठक में भाजपा ने अपनी पार्टी के संभावित प्रत्याशियों के साथ साथ आंसू
इच्छुक गंगा नारायण के नाम की चर्चा भी की है। चुनाव समिति ने प्रत्याशियों के नाम पर विचार करने के लिए प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश, भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी और संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह को एकीकृत किया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो चतरा में कोरोना का इलाज कराने पहुंचा नक्सली मनीष यादव गिरफ्तार, पुलिस ने अस्पताल से दबोचा। झारखंड के चतरा जिले से जो है पुलिस ने भाकपा माओवादी मनीष यादव को गिरफ्तार कर लिया है। वह कोरोना का इलाज कराने आया हुआ था, इसी दौरान चतरा के एसपी को इसकी गुप्त सूचना मिली। उन्होंने तत्काल इस बात का निर्देश दिया और जो है टीम ने सदर अस्पताल से नक्सली मनीष को गिरफ्तार कर लिया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो टीका लगवाने के बाद इमरान खान संक्रमित। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान शनिवार को कोरोना से संक्रमित मिले हैं। उन्होंने दो दिन पहले ही चीन की कोरोना वैक्सीन की पहली खुराक लगवाई थी। इसी बीच इमरान खान की पत्नी भी कोविड-19 से संक्रमित पाई गई है। प्रधानमंत्री के विशेष सलाहकार डॉक्टर जोहे सुल्तान ने ट्वीट पर खान के संक्रमित होने की पुष्टि की। उन्होंने ट्वीट किया कि प्रधानमंत्री इमरान खान कोविड-19 की चपेट में आ गए हैं और उन्होंने जो है अपने आवास पर खुद को जो है आइसोलेट कर लिया है। वही जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के कोविड-19 से जल्द ठीक होने की कामना की है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो खुट्टी में पकड़ा गया 2 लाख का इनामी नक्सली। बीजेपी नेता के परिवार के 3 लोगों की हत्या का है आरोपी। झारखंड पुलिस को उस वक्त एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी जब 2 लाख का इनामी नक्सली हथियार के साथ पकड़ा गया है। कुट्टी जिले की पुलिस और अड़की थाना क्षेत्र के जंगलों में एक इनामी नक्सली होने की गुप्त सूचना मिली। इसी सूचना के आधार पर पुलिस ने जाल बिछाया और नक्सली को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए नक्सली पर 2 लाख का इनाम था। वह PLFI उग्रवादी संगठन का एरिया कमांडर है। उसके खिलाफ अलग अलग थानों में करीब 20 मामले दर्ज है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो एनीमिया एवं कुपोषण मुक्त झारखंड बनाना प्राथमिकता। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड को एनीमिया एवं कुपोषण मुक्त करना हमारी प्राथमिकता है। श्री सोरेन शनिवार को जो है पुरलिया रोड स्थित सोशल डेवलपमेंट सेंटर सभागार में आदिवासियों एवं दलितों की शिक्षा के क्षेत्र में चुनौतियों और जो है संभावनाओं विकास पर आयोजित 2 दिवसीय सेमिनार सह कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य में महिलाओं को एनीमिया तथा बच्चों को कुपोषण से मुक्त दिलाने के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य योजना तैयार की जा रही है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में 5 विदेशी नागरिकों ने बनवाया आधार कार्ड। पाकिस्तान नागरिक ने वोटर कार्ड बनवाया। खुफिया एजेंसियों में हड़कंप। झारखंड से चौंकाने वाली खबर है, यहां अपने किसी खास उद्देश्य के साथ भारत पहुंचे विदेशी नागरिकों ने सरकार और खुफिया सुरक्षा एजेंसियों के नाक के नीचे जो है बड़ा कांड कर दिया है। कुछ विदेशी नागरिक वीजा की अवधि खत्म होने के बाद भी यहां चोरी छिपे रह रहे हैं। वही आश्चर्यजनक रूप से कुछ विदेशी नागरिकों ने भारतीय नागरिकों को जो है केंद्र सरकार की ओर से प्रदान नागरिकता स्थापित करने वाला आधार कार्ड और मतदान पहचान पत्र तक बनवा लिया है। जानकारी के मुताबिक हजारीबाग में रह रहे एक जो है पाकिस्तानी नागरिक ने चुनाव आयोग द्वारा निर्गत किया जाने वाला महत्वपूर्ण दस्तावेज वोटर आईडी कार्ड तक बनवा लिया है। वही जो है 4 बांग्लादेशी और 1 इथियोपिया के नागरिक ने आधार कार्ड बनवा लिया है। मामले का खुलासा होने के बाद सुरक्षा एजेंसियां चौकस हो गई है। इन नागरिकों के बारे में झारखंड सरकार की ओर से केंद्रीय गृह मंत्रालय को सूचना भेजी गई है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।